नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी लाइन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं संविधान से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और यह वीडियो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर लंबा हो जाए तो कोई बात नहीं, वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए क्योंकि मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस बनते हैं पॉलिटिकल साइंस से मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति जी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21A। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 21A के तहत जो है ये मूल अधिकार माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे मूल कर्तव्य की जगह मूल अधिकार होता तो इसका राइट आंसर होता अमेरिका, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है मूल कर्तव्य तो इसका राइट आंसर होगा रूस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 356 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर वीडियो लंबा हो जाए तो कोई बात नहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किया गया है और ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग का गठन 1991 में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा KC नियोगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा एकल संक्रमण या अप्रत्यक्ष मतदान, दोनों में से कोई भी रहे फ्रेंड्स तो एक टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये तो सभी को पता होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्य किस देश यानी कि मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या 10 है टोटल। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल 10 जो है मूल कर्तव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के का कार्यकाल कितना होता है? उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो है इसका जो है कार्यकाल चलता है। 65 वर्ष के बाद जो है समाप्त हो जाता है उसकी आयु के बाद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जब हो जाए तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स, अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? नरेंद्र मोदी जी। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं जो भी जिस यानी कि देश का प्रधानमंत्री होगा वो होगा नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष। अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी जी हैं तो वही हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे है? तो पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग को है। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष जो इसे प्रमाणित करता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है फ्रेंड्स वो 250 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा 360 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अभी आरपीएफ का एग्जाम हो रहा है तो इसमें भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसे याद जरूर रखें कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना जरूरी है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 बार। ठीक है, 2 बार अधिवेशन होना जरूरी है विधानसभा का। ठीक है, वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए। अगला है कि 73वां संवैधानिक संशोधन आधारित है, तो 73वां संवैधानिक संशोधन आधारित है पंचायती राज से। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है 73वां संवैधानिक संशोधन। अगला है लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 माह का अंतर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 12, यानी कि लोकसभा का जो है 2 हो जाएगा और राज्यसभा का 12 हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था? तो संविधान सभा का जो अस्थायी सदस्य बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। चलिए अगला क्वेश्चन है संसद द्वारा अनुमोदित के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 1 बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 माह तक जो है लागू किया जा सकता है संसद द्वारा अनुमोदित करने के बाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो ये 12 कर सकता है। अभी ऊपर देखा हम लोगों ने कि लोकसभा के लिए 2 था और राज्यसभा के लिए 12 था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यूपी में। ठीक है, यूपी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। अगला है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किससे किया गया था? इस जो है पंचायती राज व्यवस्था से किया गया था बलवंत राय मेहता समिति का गठन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स कि भारत जो है गणतंत्र कब बना, इसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है, राइट किसका आता है। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या यानी कि कार्यकाल की सीमा कितनी होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल की सीमा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक, अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल की सीमा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 44वें संशोधन के संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन के द्वारा जो है हटा दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला है संविधान सभा यानी सॉरी स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो चुनाव आयुक्त थे, प्रथम चुनाव आयुक्त वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन भारत के जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। अभी है सुनील अरोड़ा। ठीक है, अभी है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा, इससे पहले ओपी रावत थे यानी कि ओम प्रकाश रावत। अगला है भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति में। ठीक है,
भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। ठीक है, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर का प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान का आत्मा की संज्ञा दी गई है प्रस्तावना को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 31। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की कुल संख्या कितनी है? तो 31 है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 बार। ठीक है, 3 बार की गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला है, भारतीय नागरिकों की मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मूल अधिकारों की संख्या 6 है और मूल कर्तव्य की संख्या 10 है। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा मूल कर्तव्य और यहाँ पे है मूल अधिकार, तो मूल अधिकार की संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांगने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप RPF का कैंडिडेट हैं तो संविधान से जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइएगा और एक्स्ट्रा हो तो पढ़ लीजिएगा। अगला है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद में स्वीकृति अनिवार्य है? 60 दिन यानी कि 2 माह। ठीक है, 2 माह के अंदर अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थाई जो सदस्य थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वो अस्थाई सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और यहाँ पे पूछा गया अस्थाई, तो अस्थाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार को। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, संविधान में जो संशोधन होता है फ्रेंड्स वो दक्षिण अफ्रीका के आधारित उसके आधार पर लिया गया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के आधार पर ही संविधान संशोधन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो आपातकाल सिद्धांत जो है जर्मनी से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपातकाल का जो सिद्धांत है वो जर्मनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो संघीय प्रणाली जो है कनाडा से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट में टेस्ट भी लगाएंगे इससे संबंधित, जो भी संविधान से संबंधित है इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आयरलैंड से लिया गया है। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया अमेरिका से। ठीक है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाएगा फ्रेंड्स वो अमेरिका देश से लिया गया है शक्ति। ठीक है, अगला है, संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? हम लोगों का यहाँ जो संसदीय प्रणाली चलता है वो किस देश से लिया गया है? वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रिटेन से लिया गया संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स अब हम लोग जो है प्रैक्टिस से सेट करेंगे संविधान से संबंधित जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो भी देश से लिया गया है जो भी चीज़ यह मैंने यहाँ पे कवर किया है प्रैक्टिस सेट में। चलिए वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा जो अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था फ्रेंड्स किस देश से लिया गया है। आपको 3 सेकंड का समय देता हूँ उसके बाद मैं आंसर बताऊँगा। तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी रूस। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स वो किस देश से ली गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग लगाने का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग लगाने का प्रावधान किस देश से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला है संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन से। भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है अगला है और अंतिम है फ्रेंड्स कि राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया किस देश से ली गई है। राज्यपाल की जो नियुक्ति विषयक प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कनाडा। ठीक है राज्यपाल की जो नियुक्ति विषयक प्रक्रिया है फ्रेंड्स वो कनाडा देश से ली गई है। फ्रेंड्स इस तरह से मैंने जो है आपको संविधान से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे मैंने कराया और जो भी बनने लायक होगा मैं जरूर वीडियो लेकर के आऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद गुड बाय। जाते जाते मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।